ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुल्डाना की, जहां एनसीपी के पूर्व राजस्व मंत्री सुबोध सापजी ने मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली कार्यालय को दी धमकी। आगे बात होगी गाडरवारा की, जहां वन विभाग के ऑफिस में ही दो अधिकारियों को रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां शराबी पति को पत्नी ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। देश भर में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र की 48 में से 40 सीटें मिलेंगी। ऐसे में अगर चुनाव आयोग ईवीएम मशीन में घोटाला करता है तो हम बदला लिए बिना नहीं रहेंगे। एनसीपी के पूर्व राजस्व मंत्री सुबोध सापजी ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली कार्यालय को सीधी धमकी दी है कि मैं राज्य के सभी मतदाताओं की ओर से तुम्हें मार डालूंगा। पूर्व मंत्री सापजी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं को वोट महाविकास अघाड़ी पार्टियों के साथ है। इसके आधार पर कुल 48 सीटों में से 38 से 40 लोकसभा सीटें महाविकास अघाड़ी के पास आएंगी, लेकिन लोगों और मुझे संदेह है कि हम ईवीएम का प्रयोग करेंगे। यदि ऐसा होता है तो आप मशीन में घोटाला करके लोगों के मतदान के लोकतंत्र का गला घोटने जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं की ओर से इस अन्याय के खिलाफ गला घोटने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस वक्त 80 साल का हूं, अभी 10 या 20 साल जीना है। यदि मेरी आंखों के नीचे महाराष्ट्र के करोड़ों मतदाताओं को लोकतांत्रिक रूप से प्रयोग किए गए मतदाता अधिकारों को खुलेआम मारने जा रहे हैं तो मैं इन मतदाताओं के अधिकारों के सम्मान के लिए लड़ूंगा या उन्हें मारने में संकोच नहीं करूंगा और अपना नाम अमर कर दूंगा। लोकतंत्र का इतिहास में इसका उल्लेख किया जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व राज्य मंत्री महाराष्ट्र सुबोध सापजी ने आगे क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं सुबोध दाऊ साहू जी, भूतपूर्व महसूल राज्य मंत्री, भूतपूर्व पालक मंत्री अकोला बुलढाणा जिला। हमने आज मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली इनको एक निवेदन भेजा। निवेदन की कॉपी मराठी और अंग्रेजी दो तरह से भेजे है। इसका आशय ऐसा है, भारत देश में 2024 वर्ष की संसद की चुनाव हुए और महाराष्ट्र में 48 निर्वाचन क्षेत्र में संसद के चुनाव हुए। इस चुनाव में 48 क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी ने अपने चुनाव लड़े। 48 चुनाव क्षेत्र में हमने जो सर्वे किया उसमें 38 या 40 चुनाव क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी चुन के आने वाले हैं। पर लोगों के और हमारे दिल में एक संभ्रम है कि ईवीएम मशीन में घोटाले हो सकते हैं। महाराष्ट्र बुलढाणा से सीनियर संवाददाता संदीप सापजी की रिपोर्ट। खबर गाडरवारा से है, जहां नरसिंहपुर जिले में आज वन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जबलपुर लोकायुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में पदस्थ रेंजर और डिप्टी रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। इन दोनों पर लोकायुक्त जबलपुर टीम ने कार्यवाही की है, कार्यवाही जारी है। जानकारी के अनुसार गोटे गांव में पदस्थ रेंजर दिनेश मालवीय और डिप्टी रेंजर कमलेश चौहान को 50,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त जबलपुर में गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्यवाही करने के लिए लोकायुक्त की टीम इन दोनों को गोटे गांव के रेस्ट हाउस में ले गई है। आइए जानते हैं इस विषय में लोकायुक्त डीएसपी दिलीप का क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या मामला हुआ, किस तरह की कार्रवाई हुई और क्या-क्या नाम है, कौन अधिकारी? हमारे फरियादी हैं योगेंद्र सिंह पटेल, ये नरसिंहपुर निवासी है। इनके द्वारा टिम्बर मर्चेंट का काम किया जाता है और लकड़ी परिवहन, सतकटा वगैरह लकड़ी का परिवहन का काम किया जाता है। अभी कुछ समय पूर्व गोटे गांव के पास यहाँ गोटे गांव में पदस्थ है रेंजर दिनेश मालवी और डिप्टी रेंजर श्री कमलेश चौहान, इनके द्वारा इनका एक सतकटा का ट्रक पकड़ा गया था और कुछ केस बनाया था। तो इनके ये जब यहाँ पदस्थ रेंजर और डिप्टी रेंजर से मिले तो इनके द्वारा गाड़ी छोड़ने और केस में जुर्माना कम लगाने के एवज़ में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने डिप्टी रेंजर
श्री कमलेश चौहान को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। दोनों रेंजर और डिप्टी रेंजर के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? नकद बरामद हुई पूरी। हाँ, क्या नाम है सर? दिनेश मालवी को भी पकड़ा है। डीएसपी दिलीप झरवड़े। दिनेश मालवी को भी पकड़ा है। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई। दोनों रेंजर डिप्टी रेंजर दोनों। शिकायतकर्ता सर एक बार नाम। शिकायतकर्ता का नाम क्या है? योगेंद्र सिंह पटेल निवासी नरसिंहपुर। क्या नाम? गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आए दिन अवैध पार्किंग वसूली को लेकर शिकायतें आ रही थी। जब पत्रकारों द्वारा इस मामले को मौके पर जाकर देखा गया तो ठेकेदार मनमाने तरीके से पार्किंगों में अवैध वसूली करते हुए पाए गए। जहां सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन की ओर से जो रेट लिस्ट व पार्किंगों में रेट लिस्ट का बोर्ड, ये सब ऑर्डर सीट में नियम व शर्तों को दर्शाया गया है। साथ ही अवगत भी कराया गया है कि इस बात को लेकर डॉक्टर बीपी मीणा सवाई मानसिंह अस्पताल पार्किंग नोडल ऑफिसर को 3 दिन पहले भी अवगत कराया जा चुका है। बावजूद इसके बीपी मीणा द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता और उनके द्वारा जवाब दिया जाता है, हमारे पास कोई बाबू नहीं है, इसलिए कार्यवाही में असमर्थ हैं। जैसे ही बाबू मिलेगा तब कार्यवाही करेंगे और पार्किंग के ठेकेदारों पर लीगल कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। अब देखने वाला विषय यह है कि हो रहे पार्किंगों में अवैध वसूली पर क्या प्रशासन ठेकेदार और भ्रष्ट अफसरों पर कार्यवाही करता है या सिर्फ खाना पूर्ति होकर रह जाएगी। जब तुम्हारे को मना करके गए थे नोडल अधिकारी ने, फिर आपने बंद क्यों नहीं किया इसको? अरे बंद क्यों नहीं किया आपने, ये बताओ। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां शराब पीकर पत्नी को करता था तंग पति, वहीं पत्नी ने ग्रामीणों की शिकायत पर पति को नशे की हालत में बांधा चारपाई से। पति की मौत के बाद पत्नी ने कबूला अपना जुर्म। बता दें कि सूचना मिलने के बाद कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप ने मामले की जांच पड़ताल की। पूछताछ के दौरान आरोपी सुनीता ने अपना जुल्म कबूल कर लिया और कहा कि मेरे द्वारा मेरे पति को चारपाई पर बांधा गया था, जो शराब पीकर शोर मचा रहा था और मोहल्ले और पड़ोस वाले लोगों को गाली बक रहा था। उसी को देखते हुए मेरे द्वारा चारपाई से बांधा गया। शोर मचाने पर डंडे से उसकी पिटाई की, पानी मांगने पर पानी भी पिलाया गया, लेकिन सुबह उसकी हालत बिगड़ते ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने जुल्म को कबूल कर लिया है और कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप ने महिला को कस्टडी में ले लिया है। मुकदमा लिखकर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पत्नी सुनीता एवं अपने पति के बीच आए दिन नशे को लेकर झगड़ा होता था, जिससे सुनीता तंग आ गई थी, लेकिन आज मृतक की पत्नी सुनीता द्वारा एक अनोखी पहल चलाई गई, जो अपने पति को नशा छुड़वाना चाहती थी, लेकिन महिला सुनीता को ये महंगा पड़ गया और पति की मौत हो गई। सुनीता ने पुलिस के सामने अपने जुर्म को कबूल करते हुए कहा कि मेरे द्वारा पति को बांध कर डंडे से मार लगाई गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीणा ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जा रही है, महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। हैदराबाद जनपद के थाना बिलारी में एक कनोबी गांव है, वहां पे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और सारी जाँच की तो जाँच में पाया कि जो मृतक व्यक्ति था, जिसका नाम था नेपाल कुर्कोला, वह अपने घर पर रात्रि को शराब पीकर आया था और अपनी पत्नी से झगड़ा किया। पत्नी ने गुस्से में आकर अपने पति को खटिया से बांध दिया और रात भर वो खटिया से बंधा रहा। सुबह उसकी मृत्यु हो गई और पुलिस ने अभी मृतक का पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और आरोपी जो उसकी पत्नी थी, जिसका नाम विनीता है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की विधि कार्रवाई। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग के चलते सहारनपुर में 24 घंटे में हुई दूसरी हत्या। बता दें दोनों मामलों में गला रेत कर हत्या की गई है। जहां कल एक युवती का गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया था, तो वहीं आज प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। गला रेत कर की गई दोनों हत्याओं से सहारनपुर में हड़कंप मच गया है। नागल में पॉलिटेक्निक के छात्र की गला रेत कर हत्या। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि 2 साल से क्षेत्र की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों ने युवती के 6 परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गांव कोटा स्थित एक संस्था में पढ़ता था छात्र। हत्या के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। घटना की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक युवक के परिजन एवं SP देहात सागर जैन ने क्या कुछ बताया। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ताजपुर का। और ये मृतक क्या लगते हैं? ये मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है इनका? इनका नाम गौरव। ये कहाँ के रहने वाले? ये भी ताजपुर के ही है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ करते थे? ये इंद्रप्रस्थ में कोटा में पॉलिटेक्निक कर रहा था ये लड़का। क्या कुछ इनके साथ हुआ? इनके साथ इनकी निर्मम हत्या हुई है। जो ये लैब पे से आता था, ये लैब पे काम करता था, उधर से आते हुए इसकी धारदार हथियार से नाड़ कटी गई और पेट में चाकू घोंपा गया। तो क्या किसी पे शक है आप लोगों को? हाँ, जो एक लड़की का प्रेम प्रसंग था इनका, इसका उनके माँ बापों ने इसको धमकी भी दी थी मारने की, उनके उन पे ही हमको शक भी है और यकीन भी है। क्या गला गया? कहाँ के रहने वाले हैं वे लोग? लड़की वाले फतेहपुर कल। पुलिस को सूचना दे दी आप लोग? जी। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जो जिन्होंने हत्या करी उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। क्या उम्र है लड़के की? लड़के की 19 साल की। कल रात्रि थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कि जंगल, आउटर जंगल है जो ग्राम बड़ेड़ी कोली थाना नागल के अंतर्गत आता है, वहां पर एक 19-20 वर्षीय युवक की शव मिलने की सूचना मिलती है। इस सूचना पर तत्काल थाना नागल पुलिस एवं फॉरेंसिक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जो युवक है ये पास का ही एक गांव ताजपुर, वहां का रहने वाला है। युवक के गले पर चोट के निशान हैं जो किसी धारदार हथियार से किया जाना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है एवं परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना नागल पर। इसमें मौके से साक्ष्य संकलन भी किया गया है, फॉरेंसिक यूनिट द्वारा भी जांच की गई है एवं इसमें 3 टीम्स का गठन कर जल्द से जल्द घटना का अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। सर, परिजनों ने कुछ आरोप लगाया है कि कुछ 5-6 लोग हैं जिन्होंने जिनकी पहचान कर ली है, सर क्या कुछ गिरफ्तारी पाई है? जी, इसमें अभी परिजनों के जैसा मैंने बताया, परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और ये पास के गाँव के ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ये जो मृतक है इसका उसके जो घर वाले हैं उनके यहाँ पे शादी का रिश्ता तय हुआ था, इसी को लेकर, और बीच में ये टूट गया था, इसी को लेकर इनके बीच में रंजिश थी, तो इसी आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी ये जाँच का विषय है, जब जाँच पूरी हो जाएगी, विवेचना पूरी हो जाएगी, उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।